नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यहाँ पर निदेशकों से संबंधित बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही, लेटेस्ट न्यूज़ है निदेशकों से संबंधित, जिसका काफ़ी समय से इंतजार था। वो खबर, अनुदेशक शिक्षकों के द्वितीय चरण ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। लेकिन छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल अनुदेशक न्यूज़ जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। चलते हैं बिना किसी रुकावट के इस खास खबर की ओर। तो साथियों, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये आदेश आया है अनुदेशक द्वितीय चरण ट्रांसफर के लिए। मानदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से सेवा में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2024 का ये आदेश है और विषय है अंशकालिक अनुदेशकों के NIC द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय शासन आदेश इतने इतने वैश्विक शिक्षा अनुवाद 5 लखनऊ दिनांक 21/3/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों को जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालयों के लिए अनुबंध नवीनीकरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3 चरणों में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको अवगत कराना है, अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु विकसित पोर्टल, ये पोर्टल है, आप देख सकते हैं इसकी ये वेबसाइट है, ये लिंक है, के माध्यम से प्रथम चरण की विद्यालय आवंटन सूची पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है, जो कि प्रथम चरण अनुदेशक ट्रांसफर पहले ही संपन्न किए जा चुके हैं। अब ये द्वितीय चरण के लिए है। तत्क्रम में अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के लिए द्वितीय चरण में 100 से अधिक छात्र संख्या नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा स्वेच्छा से संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। उक्त हेतु आवेदन द्वारा NIC लखनऊ के माध्यम से पोर्टल यह पर अपलोड की गई रिक्त सूची के सापेक्ष संबंधित विषय में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों के नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय चरण के संबंध में निर्देशित निम्नवत हैं। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के सर्वप्रथम वेबसाइट पर प्रथम चरण के उपलब्ध कराए गए ID एवं पासवर्ड से लॉगिन कराना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित अंशकालिक अनुदेशकों के ऑनलाइन आवेदन पर एवं संलग्न किए गए अभिलेखों का सत्यापन जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं आहर आवेदक को जनपदीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी यूजर ID से वेरीफाई करते हुए पोर्टल पर फाइनल सबमिट किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारांक से संबंधित वांछित अभिलेख जो कि आपके इसमें भारांक के लिए आपने जो अभिलेख लगाए हैं उसको लेकर ये बात लिखी है कि अगर आप वो अभिलेख लगाएंगे तभी आपको उसका जो है फ़ायदा मिलेगा, अगर आप अभिलेख नहीं लगाएंगे तो भारांक आपको नहीं मिल पाएगा, नॉर्मल तरीके से आपका इसमें जो है आपको भारांक दिया जाएगा, वरीयता क्रम में रखा जाएगा। अगर आप अभिलेख लगाएंगे तो आपको वरीयता क्रम में फ़ायदा हो सकता है, तो उसके संबंध में लिया गया है। अगर आपने अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं किए हैं तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आवेदक से संबंधित भारांक का लाभ रोकते हुए अगर आपने अपलोड नहीं किया तो रोक दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन अपनी यूज़र ID से वेरीफाई कर पोर्टल पर फाइनल सबमिट किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा मानव संपदा पोर्टल में दर्ज प्रथम मौलिक नियुक्ति के जो तिथि है कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण संशोधित प्रथम नियुक्ति तिथि आवेदन पत्र में फीड की तो उसी दशाधिकारी द्वारा आवेदक के प्रथम मौलिक नियुक्ति के कार्यभार ग्रहण आदेश दिनांक के आधार पर आवेदन पत्र को वेरीफाई किया जाएगा। ये पॉइंट 5वां है। यदि आवेदक द्वारा मानव संपदा पोर्टल में दर्ज तिथि के त्रुटिपूर्ण होने के कारण संशोधित जन्मतिथि आवेदन पत्र में फीड की जाती है तो उस दशा में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदक के हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर आवेदन पत्र को वेरीफाई किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारांक से संबंधित कूटरचित फर्जी अमान्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं तो ऐसे में आवेदक का जो आवेदन पत्र है वो जनपदीय
समिति के अनुमोदना उपरांत जिला विशिक्षा द्वारा अपनी यूजर आईडी से निरस्त कर दिया जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हेतु अंशकालिक अनुदेशकों का नाम मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सक्रिय नहीं होने की दशा में अंशकालिक अनुदेशक का मोबाइल नंबर जिला विशिक्षा द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से रीसेट किया जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हेतु अंशकालिक अनुदेशकों का मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर जन्मतिथि तथा अथवा प्रथम नियुक्ति तिथि के त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा आवेदन में फीट संशोधित जन्मतिथि अथवा नियुक्ति तिथि को विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से वेरीफाई किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद के अंदर नवीन विद्यालय के लिए अनुबन नवीनीकरण के द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति समाचार में प्रकाशन हेतु की जाएगी। अंशकालिक अनुदेशकों के ऑनलाइन आवेदन को अग्रसारित करने एवं फाइल सबमिट करने के संबंध में यूजर मैनुअल ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय चरण हेतु दिशा निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा संलग्न कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।